हेलो और मैंने दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। अजय देवगन की आने वाली फिल्म औरों में कहा दम था और दिवाली में आने वाली है सिंगम, उसके साथ में क्लैश होने वाला है भूल भुलैया। यस, सबसे पहले हम हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स को वेलकम करेंगे टू बॉलीवुड प्रेमी। औरों में कहा दम था का ट्रेलर के बारे में जान के लेंगे कि उनको कैसा लगा है, और जो दिवाली में अजय देवगन क्लैश करने वाले हैं विथ अनीस बाजमी की पिक्चर और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया, उस पर हम बात करेंगे। गोलू, औरों में कहा दम था, कैसा लगा ट्रेलर? सर जी, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक लगा है, इतना भी कुछ लाइक बोल नहीं सकते कि अज्जू भैया कुछ एकदम अलग लेके आए। इट्स एवरेज ट्रेलर और टीजर जो भी बोलो इसको, क्योंकि क्या हो गया, अज्जू भैया ने जो ये ट्रेलर लाया ना, मतलब लगा ऐसा समथिंग कि वो पहले भी ये सब चीज़ें कर चुके हैं, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन उसमें एक होली का गाना होएगा, वही थोड़ा ज़बरदस्त होगा, तब्बू मैम और अज्जू भैया एक दूसरे को रंग लगाते हुए दिखाए जाएंगे, वो मज़ा आएगा देखने के लिए। एंड आफ्टर ऑल जो लास्ट में सर चाहे शायरी थी ना सर जी, दिल से धुआं उठा एंड समथिंग जो भी था, वो आंग पे काटा तो दिया वो शायरी ने। फिर उसमें बोलते ना कि औरों में कहा दम था सर जी, वो एक मतलब उसने मूवमेंट दिया, गूज़बम्प्स दिए। बाकी ट्रेलर इज़ एवरेज, लेकिन अगर मैं सिंगम की बात करूँ, मैं पहले ही रोहित सर के बारे में बोल चुका हूँ, तो अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बोलने की गरज है, लेकिन तब भी सिंगम को कोई ज़रूरत नहीं है फेस्टिवल पे आने की, ऑलरेडी पिक्चर गर्म है। और ऐसा एक बंदा नहीं है मुंबई में, खास करके मुंबई बोलो या किधर भी बोलो, जिसने सिंगम 1 और सिंगम 2 देखी ना हो। और सूर्यवंशी तो वन ऑफ द बेस्ट हिट रही है कोविड के बाद की। और इसके बाद में अगर भूल भुलैया की बात करें, तो भूल भुलैया ने आई थिंक सो गए साल इसकी क्या बोलते रिलीजिंग डेट लॉक कर दी थी, तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिंगम फिर से आगे पीछे शिफ्ट होगी। लेकिन अनीस बज्मी जी को पूरा कॉन्फिडेंट लग रहा है मेरे को कि उस पर वो डटे रहेंगे और भूल भुलैया 3 वहीं पे ही आएगी। लेकिन सिंगम के लिए मैं बोलना चाहता हूँ मेकर्स को कि आपको अपने पहले बोलते हैं ना, पहले आपने पब्लिकली स्टंट कर लिया, जो भी कुछ आपने रिलीज करवाया और वो कुछ ना कुछ सीन्स बाहर आ रहे थे, वो क्या मतलब नहीं था कैरेक्टर्स का, मतलब कुछ मतलब नहीं था वो सब चीज़ें करने की। ऑलरेडी पिक्चर पहले से ही गर्म थी, पुष्पा के साथ आ जाते, पुष्पा भी कमाती आप भी कमाते, लेकिन यही रोहित सर ने शिफ्ट किया करके अक्षय सर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही बात है कि सिंगम को हटना नहीं चाहिए था, सिंगम कभी भी आती फुल फ्लेजेड हो ही चलती। ओके, ट्रेलर औरों में का दम था का एवरेज लगा और क्लैश के बारे में बात कर लिया गोलू ने। सबसे पहले ट्रेलर पे बात करेंगे। ट्रेलर की खासियत बात है कि इसमें अजय देवगन और टब्बू मैम उनकी जोड़ी वापस से हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि अजय देवगन और टब्बू मैम की जोड़ी भी लोग एक तरफ से पसंद करते, जो 1990s में पहली बार उन्होंने विजय पथ की थी, फिर प्लेटफॉर्म की थी, उधर से लेके आज तक वो जोड़ी हमें दिखा देते हैं। एंड अजय देवगन के लिए कहीं ना कहीं टब्बू मैम बहुत ही लकी रही है। बट ट्रेलर जैसे इन्होंने कहा था, मुझे भी एवरेज ही लगी। अजय देवगन का काम, वो कौन से भी कैरेक्टर का लोग काम एकदम जी जान से करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन स्टोरी भी होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामा वाला लग रहा है कि उन मतलब कि कपल मतलब कि शादीशुदा उनकी मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं उनको कपल्स, बहुत साल के बाद उनके बीच में क्या मैटर हो जाता है कि अलग हो जाते हैं फिर वापस से या जेल में चले जाते हैं या दैट्स इट। इसमें ट्रेलर में कुछ खास नहीं था एंड औरों में कहा दम था, मतलब कि टाइटल सुन के थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया टाइटल भी, तो ये तो एवरेज ही लग रही है मुझे। अभी पिक्चर हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम जज नहीं कर सकते सिर्फ एक ट्रेलर देख के। सेकेंडली सिंगम अगेन, मतलब कि दिवाली रिलीज, अज्जू भैया अगेन विथ अनीस बाजमीज भूल भुलैया 3, मतलब कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। जैसे उन्होंने कहा था कि रिलीज डेट भी बहुत पोस्टपोन हो रही थी, पुष्पा 2 के साथ आने वाली थी, लेकिन सभी ऑडियंस को पता है पुष्पा 2 के साथ आ नहीं सकती है क्योंकि ऐसा दोनों में ये हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने दिवाली में पोस्टपोन किया। अभी दोनों अलग जॉनर की फिल्म है, एक तो है एक्शन, फुल ऑन एक्शन है, और एक दूसरा है कॉमेडी और हॉरर कॉमेडी वाला जॉनर है, तो ऑडियंस के लिए एक तरफ से अच्छा है कि मतलब कि दोनों जॉनर की फिल्में एक ही वक्त पर देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि पहले कौन सी देखेगी, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड अक्षय कुमार इसमें सिंगम अगेन में ऑब्वियसली बहुत सारे, रणवीर सिंह भी है, अक्षय कुमार भी एज अ सूर्यवंशी दिखने वाले, बट उनके सामने उनकी एक ओल्ड फ्रेंचाइजी भूल भुलैया 1 में होते अक्षय कुमार, एंड क्या किसे मालूम था कि अक्षय कुमार उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ क्लैश कर रहे सिंगम अगेन में।
सो मतलब कि देखना मजेदार होगा, लेकिन या थोड़ा सा बुलबुल है या कि जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर यानिस बाजमी सर है, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज आए थे कि उन्होंने डिस्कस की थी कि हमने तो रिलीज डेट एक साल पहले ही लॉक की थी, दिवाली 2024। अभी अचानक से कोई मतलब कि उनके साथ बड़ी फिल्में क्लैश हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिवाइड हो जाते हैं ऑडियंस, डिवाइड हो जाते हैं कि एक तरफ से उसके वजह से कैसा है ना, दोनों पिक्चर को इक्वली बेनिफिट्स नहीं मिल पाता, थोड़ा मतलब कि 50-50 हो जाता है। तो इस मामले में अनीस बाजमी सर थोड़े से अपसेट लग रहे थे, बट उनको भी अपने फिल्म में पूरा कॉन्फिडेंस है। एंड जो भी सामने वाली पार्टी है, अजय देवगन के साथ भी उन्होंने काम किया है, दीवांगी या बोल सकते बहुत सारी फिल्में, हाँ प्यार तो होना ही था, पहली फिल्म हलचल, अनीस बाजमी की पहली फिल्म हलचल में अजय देवगन ही थे। या तो अभी देखना पड़ेगा कि दिवाली आने तक तो मतलब कि इन बीच इन दोनों मूवी में किसके ज्यादा हाइप बढ़ती है वो देखना मजेदार होती है। हाँ वो बड़ी बात है, बताया है विग्नेश ने आता हूँ समृद्ध के पास में। हाँ जी सर, समृद्ध बोल रहा था कि वो जो किल की किल जो फिल्म है वो क्लैश होने वाली है, और उन्होंने कहा दम था तो बोल रहा था मैं किल का टिकट पहले खरीदूंगा। क्यों ऐसे? डेफिनेटली, क्योंकि सर किल का खरीदने का सिर्फ एक रीजन है, वो लक्ष्य का एक्शन, लक्ष्य का लक्ष्य अच्छा लगा। हाँ लक्ष्य का मुझे लक्ष्य अच्छा लगा क्योंकि उसको सिर्फ फाइटिंग करने का और थिएटर बजाने का है वैसा है। तो यार मैं फिल्म का नाम है विमल में सॉरी औरों में कहा दम था। हाँ तो ये फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर मुझे यस इट्स अ गुड ट्रेलर, अच्छा है, ठीक है, मतलब ऐसा बोलते ओके, क्योंकि नीरज पांडे पे मुझे थोड़ा ज़्यादा भरोसा है सर, क्योंकि नीरज पांडे की मैंने सारी फिल्में देखी, सारे की सारी फिल्म देखी है, लेकिन स्पेशली उसको जो वेडनेसडे फिल्म देखता हूँ ना सर, आज भी गुजबम कन्फर्म रहती है सर। यस, क्योंकि वो फिल्म बहुत मास्टरपीस लेवल पे बनाई थी फिल्म, और उसके बाद स्पेशल 26 हो या स्पेशल 26 तो आज तक उसका क्लाइमेक्स हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी तक कि क्या क्या है उसका क्लाइमेक्स। नहीं क्योंकि क्लाइमेक्स बहुत ज़बरदस्त था उसका स्पेशल 26 का। तो उसके बाद ये औरों में कहा दब तक, क्योंकि लास्ट उनकी लास्ट फिल्म मुझे अभी भी याद है अय्यर है उनका लास्ट फिल्म थी उनकी, सिद्धार्थ मल्होत्रा के सर की उनकी फिल्म फ्लॉप हुई थी क्योंकि ड्यूरेशन बहुत बड़ा था, 3 घंटे की पिक्चर थी, लेकिन 3 मिनट भी बोलते हैं 3 दिन भी नहीं चलती पिक्चर। तो अभी ये फिल्म का मुझे ये ट्रेलर देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा क्योंकि क्या 22 साल पुराना क्या हुआ था, 22 साल पहले क्या हुआ था, वही सब चल रहा था। क्योंकि इसमें जिमी शेरगिल है और जिमी शेरगिल बहुत अंडररेटेड है यार, बहुत अंडररेटेड हुए वो, तो उनको ये शायद से कमबैक मिल सकता है एज एन थिएटर ऑडियंस में। तो मुझे ये ट्रेलर बहुत ओके ओके लगा, तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी एकदम सदियों से है यार, वो तो वो आई तो खत्म, तो सुपर हिट। तो यस अभी फिल्म का भी देखते हैं सर। यार क्या बोलते ना सर सिंगम पे, यार मुझे तो भरोसा ही नहीं रहा सर, क्या हर वक्त कॉप यूनिवर्स सर मैं, अरे इसलिए तो भरोसा नहीं है ना सर। चलो कोई बात नहीं सर, इसमें देखो सारी कास्ट है, पूरा एक ऐसा शेर दिखाया है पोस्टर में और सब जगह इधर उधर नाम लिखा है, ऐसा वो सर ज्योमेट्री वाला ऐसा कॉलम बनाया हो। तो मुझे ट्रेलर ये जो पोस्टर है मतलब अभी वो जो दिखा है अनाउंसमेंट है दिवाली पे देखो लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे मालूम नहीं, पुलिस जरूर करेगी, धार 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 बाहर फटाके बजे ना बजे थिएटर में ना, सब पुलिस वाले इसको तोपों की सलामी देंगे अपने गन से, पाम पाम वैसा करके। हाँ तो अभी देखो अभी क्लैश के बारे में बोला जाएगा, बुलबुले भी उन्होंने तो बहुत वो लास्ट ईयर उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो मजा आ गया था मुझे देखा, और पहली बार अनाउंसमेंट वीडियो था सर, सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वीडियो पे उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था ये लोग वैसी है, क्योंकि 15 अगस्त पे तो कितने सारे फिल्म है, तो इसके वजह से आपने अजय भैया को भागना पड़ा क्योंकि उनके देखो इतने सारे पिक्चर लीक्स हुए, वीडियोस लीक हुए, अर्जुन कपूर की धोती भी लीक हो गई, तो क्या है तो इसलिए तो कच्चा ही बचा, तो वही इज्जत बचाने के लिए दिवाली में आ रहे हैं अभी, क्या बोलने का सर भाई, वो पटाखा उधर ना घुस जाए, वही तो बोल रहे सर ये वासेपुरे साहब, एक कबूतर भी एक पान पे बोला एक पंखे पे एक पर हिलाने के लिए एक बार अपने दूसरा इज्जत बचाने के लिए आता है, ऐसा हो गया है सर ये। तो चलो ठीक है सर, अभी मैं इतना ही बोलूंगा कि दिवाली पे आए तो दोनों अच्छे आएंगे, अच्छे बड़े बड़े फिल्म्स हैं, तो देखते क्या होता है। दिवाली तो अच्छी दिवाली तो अच्छी जाएगी। बात किया हमारे मुंबई के थ्रीरेट्स ने ऑन औरों में कहा दम था के ट्रेलर क्लैश पे ऑफ भूलभुलैया एंड सिंघम अगेन। हां जी यस, देखते क्या होता है, सबसे पहले 5 जुलाई को जाके देखेंगे पिक्चर ओके, और उसका रिव्यू हमारी जनता तक जरूर। ओके चलो मैं जा रहा हूँ विघ्नेश को विमल लेने, चलो बाय। ये मेरे को 15 वाला